हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर के सब्जी के साथ अंडा और मटर सबमिक्स सब्जी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आधा किलो ये मटर था, तो इसमें दो रेसिपी बनाना है, तो इसको मैंने साथ में ले ली हूँ क्योंकि उबालना है इसको। तो ये आधा किलो मटर को छुरा करके इस तरह से इतना वहाँ धो लेना है साफ से, और दो चार अंडा उबाली हूँ, अंडे को उबाल लेना है। यहाँ पर देखिए, मतलब पाव किलो के अंदाजे फ्लावर है, फ्लावर को भी इस तरह से साफ करके धो लेना है अच्छे से। और यहाँ पर पाव किलो से ज़्यादा ये उबला हुआ आलू है, इसको छील कर इस तरह काट लेना है। यहाँ पर एक पापड़ी भाजी आती है, इसमें आ गया था वो है। और यहाँ पर मसाले में देख लीजिए, बघार के लिए थोड़ा सा लहसुन ली हूँ, 6-7 हरी मिर्ची है और आधा प्याज है, ये सब बघार के लिए है। और एक चम्मच वाइट नमक है, एक चम्मच हल्दी पाउडर है, एक छोटा चम्मच ये काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है। और इधर मसाले में ये सब्जी का मसाला है, ये पूरा एक पैकेट जाएगा। और यहाँ पर ये गरम मसाला है 2 छोटा चम्मच, और 3 चम्मच भर के ये धनिया पाउडर है, और 1 चम्मच भर के मुखी मिर्ची पाउडर है। और यहाँ पर 3 टमाटो है, इसको मैंने काट ली हूँ। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लावर और ये जो मटर है इसको हम उबालने में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी उबल चुका है, यहाँ पर उबालने में हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे, और ये जो फ्लावर है इसको ऐड कर देंगे, मटर भी ऐड कर देंगे। उबाल लेने से क्या होगा, जल्दी खाना बन जाएगा, इसके लिए थोड़ा उबाल लेते हैं। और यहाँ पर हम ढक्कन डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, चूल्हा फास रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, टोप चढ़ानी टोप गर्म हो चुका है सब्जियों के लिए। आज हम 2 चम्मच तेल लेंगे यहाँ पर, और चूल्हा खास करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास अंडा है, 4 अंडे हैं, तो इसको थोड़ा काट लेना इस तरह से, काट के हम इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे उसको। यहाँ पर हल्का सा हल्दी ऐड कर देंगे, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मटर और फ्लावर था उबल के हो गया है ये। तो यहाँ पर चूल्हा हम ऑफ कर देंगे, उसको बाद में हम छान लेंगे छन्नी में। तो देखिए अंडा फ्राई करके हो गया है, यहाँ पर अंडा हम निकाल लेंगे इस प्लेट में। और यहाँ पर जो मेरे पास ये कटे हुए मसाले हैं, सब मसाले को ऐड कर देंगे, उसको ब्राउन कलर का भूनना है। यहाँ पर देखिए फ्लावर और मटर है, उसको हम छान लेंगे छन्नी में। और ये जो फ्लावर है ना, इसको जब आप उबालते हैं ना, तो इसमें से पानी जब छान दिए तो बहुत बास आता है, मतलब इसलिए उबाल लेना जरूरी है। आप कच्चे का भी बना सकते हैं, लेकिन उबाल लीजिए तो बहुत बेहतर है, मतलब उबाल के बनाने से। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर का भुनना है, तो ये भी भुन चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम आलू को ऐड कर देंगे, पास देखिए मसाला है, हल्दी नमक काली मिर्च है, सब यहीं पर ऐड कर देंगे। आप 1 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ढक्कन डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए माशाल्लाह आलू भुन चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आलू तो ऐसा बना लीजिए कि घर में पूरी फैमिली चट खत्म हो जाता है, मतलब बचता नहीं है आलू का, अगर अच्छे से बनाए तो। जिस साइड में हम टमाटो है इसको भून लेंगे थोड़ा, आधे मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू और टमाटो अच्छे से भून गया है। और हम यहाँ पर मेरे पास देखिए मटर है उबला हुआ, फ्लावर है, इसमें से थोड़ा सा मटर बचाना है, क्योंकि दो रेसिपी बताई हूँ ना बनाना है, इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी के ऐड कर लेंगे, फ्लावर नहीं बचाना है।
मतलब बताना था। यहाँ हम जो मसाला है मेरे पास, ये मसाला भी ऐड कर देंगे और नमक, आप चाहे तो स्वाद अनुसार चेक करके और भी लगे तो और भी डाल सकते हैं। कम हो जाए बेहतर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक, कम होएगा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ देखिए पानी चढ़ा दी हूँ, पाव किलो कम से कम पानी है, तो पानी गर्म करके ऐड करेंगे। आप जल्दी खाना बनाना है क्योंकि दो रेसिपी बनाना है इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए मसाला भून के हो गया, यहाँ पर भाजी मसाला मेरे पास, ये भी ऐड कर देंगे। अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा मसाला आप ना बचा सकते हैं, सब डालना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा मैंने बचा ली हूँ, ज़्यादा हो जाएगा मसाला। और यहाँ देखिए पानी भी गर्म हो चुका है, चूल्हा ऑफ कर देंगे और यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे सब्जी में। और इसको एक उबाल, अच्छा उबालेंगे, उसके बाद में सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये जो अंडा है अंडे को बाद में उसमें ऐड करेंगे, ढक्कन डाल के छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से उबल गया है सब्जी, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ देखिए अंडा है, अंडे को हम इसमें ऐड कर देंगे, 3 अंडा है मेरे पास। इधर एक अंडा मैंने सजाने के लिए बचा ली हूँ। तो इस तरह से आप भी खाना पकाइए, खाइए थोड़ा सा, और इसको पकाऊँगी सब्जी को, एक उबाल और हम उबालेंगे। यहाँ पर हरी धनिया है, हरी धनिया हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बनके हो गया तैयार, यहाँ चूल्हा हम ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा जा लेंगे। तो आज की रेसिपी है अंडा फुलावर मटर के साथ सब्जी। यहाँ पर देखिए आज हम अंडे से सजाएंगे, खाने में चावल बना है और हरी मिर्ची से सजा देंगे। तो आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।